छुरी का उसको थोड़ा गजा, नहीं तो आ तो गया एकदम से, अभी आया होता तो बड़ा वो हालो कोनी सी बोली। हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, चलो सब ने अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, आज वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, मैं आज एक आपको ऐसी वीडियो दिखा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आप प्लीज़ यार कमेंट करके मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं और बताएं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप इस वीडियो में एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा मैं आप सबको, आपने सबने कमेंट करके मुझे बताना है कि ये सब कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सरकारी स्कूल, जो सरकारी स्कूल होते हैं देखो वहाँ क्या होता है ना, आज की डेट में बिल्कुल बच्चे मतलब ये समझो कि गिने चुने 10-5 बच्चे रह चुके हैं सरकारी स्कूल में। तो इसका कारण क्या है, क्या है कि सरकार ये सब सोचती नहीं यार। आजकल इतने प्राइवेट स्कूल हो चुके हैं कि सब बच्चों को वहीं पढ़ाने को डालते हैं। अगर वही सुविधा गवर्नमेंट हमें उस सरकारी स्कूल में देती तो एब्सोल्युटली ये है कि सारे बच्चे वहीं पढ़ते। अगर कोई गरीब घर का है तो वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाता है, इस चीज़ को हम समझते हैं क्योंकि हमने भी अपना जो बचपन है इसी तरह काटा है, हमने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है। बट जो भी आज की डेट में देखता हूँ जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो हाई फाइव फीस ले लेते हैं और पढ़ाई से चलो ठीक है, पढ़ाई मानते हैं हम, पढ़ाई होती है, लेकिन अगर सरकारी स्कूल वही सब कुछ करे तो पढ़ाई वहाँ भी अच्छी हो सकती है, वहाँ भी अच्छे टीचर अगर लेके आए तो पढ़ाई हो सकती है, अगर अच्छी सुविधा वहाँ भी मिले तो वहाँ भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो सकती है। और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे जितने भी बीएड करे हुए हैं लड़के, उनको जॉब जल्दी मिल जाती है अगर सरकारी स्कूल में अच्छा ऑफर आता तो, अच्छे टीचर आते। तो प्लीज़ यार आप इस बात पर ज़रा गौर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए, मतलब इस चीज़ में हो सकता है नहीं हो सकता ये सब कुछ, प्लीज़ यार बताएं। मेरे हिसाब से ये सब कुछ होना चाहिए, अगर ये ऐसा होता तो एक गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ता और आगे बढ़ पाता। तो प्लीज़ यार दोस्तों, इसे वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है, मैं आपको इस वीडियो में एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा कि उस स्कूल में, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ उत्तराखंड का ही स्कूल है और जबकि उत्तराखंड में पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ जितने भी बच्चे हैं अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो प्राइवेट स्कूल की जगह कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता और वहाँ अच्छे टीचर अपॉइंट किए जाते तो शायद और बच्चे भी आगे पढ़ पाते। क्योंकि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना तो उनको क्या है, इतना सुविधा नहीं मिल पाती कि वो और प्राइवेट स्कूल की तरह कर सकें। मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूँगा, प्लीज़ आप एक बार सरकारी स्कूल का भ्रमण करें और वहाँ सुविधा दें सभी लोगों को और तभी वहाँ बच्चे जरूर पढ़ेंगे। अगर वहाँ अच्छी सुविधा होगी, अच्छे टीचर आएंगे तो वो स्कूल जरूर एक दिन नाम कमाएगा। ऐसे हैं बहुत सारे स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल जो अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ 2-4 बच्चे रह जाते हैं गिने चुने, वो वही रहते हैं जो उन्हें प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से मेरी यही एक, मैं गवर्नमेंट से बस यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ यार आप इस बारे में ज़रूर सोचिए और दोस्तों प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो, कोई भी गरीब बच्चे हो वहाँ पढ़ सकें और अच्छी तरह पढ़ाई कर सकें। तो प्लीज़ यार इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके आप सबसे शेयर कर दीजिए और प्लीज़ जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह आपको रोचक बातें बताते रहता हूँ, कुछ नए नए टिप्स देते रहता हूँ, प्लीज़ आप एक बार गौर कीजिएगा इन बातों पर और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपके कुछ समझ में आएगा। प्लीज़ आप यू कट करके मत जाइएगा और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद सरकार कहीं सो गई हो, जाग जाए और कुछ सोचे इसके बारे में। जितना हो सके प्लीज़ यार इसे शेयर करो। और तो बहुत बताने लायक बातें हैं लेकिन मैं इतना नहीं बता पा रहा हूँ, बट जो भी है आप इस वीडियो में देख लीजिए, आप समझ जाइए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि इसमें क्या विचार है, क्या किया जाए। तो प्लीज़ दोस्तों आप देखिए वीडियो और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हाल है हमारे टीचर स्कूल का, देखिए प्राइवेट स्कूल में गिने चुने 3, 6, 7, 8, 9 लड़के हैं, एक टीचर है, वो क्या पढ़ाएगी इन बच्चों को कुछ समझ भी नहीं आता है। प्लीज़ यार आप इसे कम से कम अगर इंसानियत के नाते शेयर करो और इसे हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचाओ ताकि कुछ टीचर हायर कर सकें। और प्लीज़ यार वीडियो देखो, मैं आप सभी के लिए अच्छी वीडियो लाता हूँ, प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिए। आप देख सकते हैं इस वीडियो में क्या हाल है हमारे प्राइवेट स्कूलों का और जितना हो सके इसे शेयर करो ताकि गवर्नमेंट सुन सके
और वो कुछ टीचर हायर करे ताकि गरीब बच्चे पढ़ सके। और इन सभी बच्चे जो भी दिख रहे हैं आपको गरीब घर से होंगे, ज़रूर अगर अच्छे घर से होते तो इन्हें भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दिया जाता, लेकिन ये इतनी सामर्थ्य नहीं है इन बच्चों की कि आगे पढ़ पाएँ। प्लीज़ यार आप इस वीडियो को देखो और जितना हो सके शेयर करो, मैं आपके लिए इसी तरह कुछ रोचक वीडियो लाते रहता हूँ। और प्लीज़ जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद, मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।